करके मंदिर मठ जहां भी हो वहां पर नशा बंद करो, बोट लगाओ जल्दी से जल्दी, या नशा निषेध है। लेकिन आज जहां मठ होते मंदिर होते वहां अमल लेकर के बैठ जाते हो, जो आवे उसको देते हो। आप क्या चाहते हो, सनातन धर्म को बचाना चाहते हो या धर्म के नाम पर नशा सीख रहे हो? साधु संतों के मठ मंदिरों में शुरू होता, ये गौरव के साथ कह रहा हूं, आज दिन तक अपने आश्रम में चाय तकातक नहीं बनी है। और जिस जमाने में छह वर्ष और चार महीने का था तब घर छोड़कर के साधु बन गया था, तब से लेकर के अब तक अपने हाथ में चाय को लिया नहीं, छुआ नहीं, और जन्म लिया तब से लेकर अभी तक पिया नहीं, इसलिए अधिकार से कह सकता। हमारे वहां नेताजी आए, कहा कि महाराज जी चाय हो जाए। मैंने कहा साधुओं के पास आए? बोले सब लोग पीते। मैंने कहा मेरी नजर में वो साधु नहीं है। साधु से क्या सीखोगे, नशा करना? साधु से तो धर्म की बात सीखो, वेद मंत्र गाना सीखो, भागवत या रामायण की छुपाई श्लोक गाना सीखो, तब तो समझ में आए किसी साधु के पास जाकर का है। बाकी अमल खाना तुम्हारा दादा या तुम्हारा पड़ोसी सिखा देगा, क्या नई बात हो गई है? इसलिए इस धर्म को और युवान पीढ़ी को मुक्त करो इस नशे से और सनातनी बनाना शुरू करो, पवित्र होता है। अरे भैया भगवान के मंदिर जाते हो तो कैसे जाते हो? बोले ना धोकर के महाराज मंदिर जाते, अपने आप को पवित्र करके, और मंदिर में जाकर के अमल खाते हो, वही डोडे खाते हो, फिर पवित्र रहे? बिल्कुल भी नहीं रहे। भगवान के नाम पर तो बिल्कुल धंधा बंद करो कि महादेव को ये चढ़ता वो चढ़ता है। महादेव ने आज दिन तक हमको टेलीफोन नहीं करके कहा कि महाराज क्यों मना कर रहे हो, ये तो हमारा भोजन है। बिल्कुल गला हरा हर, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं सनातन धर्म के लिए सभी लोगों को सक्रिय होना चाहिए, अच्छी शर्तों के साथ राजनीति को नई करवट देनी चाहिए। अस्तु, हमें निवेदन अंतिम शब्द करना है अब, और वो शब्द क्या है फिर एक बार दोहरा दे, दादागिरी, गुंडागिरी, नेतागिरी, और चौथा शब्द है चमचागिरी। आप लोग बहुत प्राय उपयोग करते हो।